गर्मियों की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी को लेकर शहर में जगह जगह पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन शास्त्री नगर में पानी की काफी किल्लत बढ़ी हुई है। वहीं महिलाओं को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर से भी पानी पैदल चलकर लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी पानी बदबूदार और गंदा ही हाथ लगता है। इसके अलावा पानी को लेकर महिलाओं के आपसी झगड़े भी हो रहे हैं। हिसार बाईपास के नजदीक से शास्त्री नगर कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य सिरे नहीं चढ़ा है, जबकि नगर निगम प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि शहर में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वहीं दूसरी ओर पानी भरने जा रही महिलाओं का गुस्सा नेताओं के प्रति साफ देखा जा सकता है। महिलाओं का आरोप है कि नेता केवल चुनाव के दिनों में ही उनके इलाके में नजर आते हैं और वह केवल वोट लेने तक ही सीमित है। महिलाओं ने यह भी बताया कि काफी दूर तक पैदल चलकर वह पानी लाती है, वह भी बदबूदार गंदा पानी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़कें, पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं तो हमारे पानी की है, नहीं लाइट की है, नहीं सड़क की है। और हमारे को हम किस सबके पास जा चुके हैं, मेयर के पास, डीसी के पास, एमसी के पास, जहाँ जहाँ भी हमारे को बोला गया हम वहाँ वहाँ धक्के खा के आए, पर बिल्कुल भी हमारी कहीं भी एक मिनट भी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह हमारे को धक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे चलो हो जाएगा तुम्हारा काम, चलो हो जाएगा, कब होएगा। वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, और आज हम ऐसे ही घूमते रहे। बताओ ये कोई मतलब थोड़ी, तरीका थोड़ी है सरकार का। मोदी से रिक्वेस्ट है कि कहते हैं घर घर पानी और लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बनवा के दे रहे हैं सबको। यहाँ हम बड़े बाजार में रह रहे हैं, शास्त्री नगर हिसार बाईपास आईडीसी चौक पे, और हम 2008 से यहाँ रह रहे हैं। हमारे को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, और ना ही कोई प्राइवेट पानी है ना कोई सरकारी है। इतनी 2 किलोमीटर आते हैं पानी लेने के लिए, यहाँ भी लाइट भी नहीं होती। कई कई घंटे यहाँ बैठ के चले जाते हैं, तब तक भी पानी का इंतजार नहीं होता। और यहाँ इतने प्यास से मरते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, पानी के लिए तरसते रहते हैं, और मोदी कोई सुनवाई नहीं होती है। वोटों के टाइम पे आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी वोटें लेते हैं और अपना काम पकड़ जाते हैं। कोई नहीं सुनता, ना कोई एमसी सुनता है, ना कोई मंत्री।